हेलो दोस्तों, लान इंटरनेट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है फ्री में कैसे सिविल चेक करते हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है, और जानेंगे। तो दोस्तों, फ्री में सिविल चेक करने के लिए ज़्यादा वेबसाइट नहीं है, ठीक है। फ्री में सिविल तो चेक कर सकते हो, लेकिन रिपोर्ट डाउनलोड करने में जाके प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों civil.com पे जाके ही आप लोग बिना सब्सक्रिप्शन दे के फ्री में सिविल चेक कर सकते हो, ठीक है। और एक वेबसाइट के बारे में बताऊँगा, जिसका नाम भी मैं आप लोग लास्ट में बता देता हूँ, ठीक है, बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहना। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जो है आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा, और क्रोम ब्राउज़र पर जाके आप लोगों को लिखना होगा फ्री सिविल स्कोर, नहीं तो फ्री सिविल चेक, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। लिख के दोस्तों आप लोग स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आ जाना, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा फ्री सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट चेक, ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पे civil.com की तरफ से ऐसे लिखा हुआ होगा, तो आप लोग उसी पे क्लिक करना, नहीं तो दोस्तों आप लोग जो और कोई किसी जगह से अगर civil.com पे जाते हो तो वहाँ पे आप लोग नहीं जो है सिविल चेक कर पाओगे, फ्री में सिविल नहीं देख पाओगे। थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो वहाँ पे उशपिन का भी वेबसाइट दिया हुआ होगा, उसको उससे भी आप लोग चेक कर सकते हो, उसको मैं बाद में आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं जो है फ्री सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा। रिपोर्ट पे क्लिक करते ही मैं जो वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, तो civil.com वेबसाइट फुल्ली खुल चुका है, और यहाँ पे लिखा हुआ है गेट योर फ्री सिविल स्कोर। तो यहाँ पे दोनों जगह पे लिखा है, कोई भी एक जगह पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे गेट योर सिविल स्कोर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, गेट योर सिविल स्कोर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे दोस्तों पहले आप लोगों को बताएगा कि आप लोग जो है अकाउंट क्रिएट कर लो। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप लोगों ईमेल एड्रेस दे देना कोई सा भी, और यहाँ पे पासवर्ड सिलेक्ट करने का कर लेना, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, और दोस्तों दो तीन डिजिट देकर, और नीचे दोस्तों आप लोगों आईडी टाइप में पैन कार्ड देना, पैन कार्ड ही देना, ठीक है, वोटर आईडी वगैरह मत देना, क्योंकि उससे ज़्यादा जल्दी होगा। और दोस्तों, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे आप लोग डेट ऑफ बर्थ देना, पिन कोड डाल देना अपना, और दोस्तों जो मोबाइल नंबर से आप लोग पैन कार्ड लिंक है वही नंबर देने का कोशिश करना, और दोस्तों एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। तो दोस्तों, मेरा यहाँ पे जो है ऑलरेडी मैंने अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है। यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही इस वेबसाइट की तरफ से और भी डिटेल्स आप लोगों के पास मांगा जा सकते हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पे उस डिटेल्स को दे देना, जैसे कि आप लोगों का रेशन कार्ड का नंबर, वोटर आईडी नंबर, और आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ ऐसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद ही जो है यहाँ पे आप लोगों का सिविल स्कोर दिखाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करके मेंबर लॉगिन पे मैंने गया, और वहाँ पे मैं जो है मेरा ईमेल आईडी जो कि मेरा यूज़र नेम है, और जो मेरा पासवर्ड जो भी मैंने किया अकाउंट क्रिएट करने के वक्त सिलेक्ट किया था, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और दोस्तों, लॉगिन पे क्लिक कर लूँगा, मैंने जो भी नंबर दिया था उस पर OTP जाएगा, वहाँ पे मैंने OTP को फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पे आप लोगों को पूछा जा सकता है कि जैसे कि आप लोग इसी डिवाइस को ट्रस्ट करते हैं, इसी डिवाइस को आप लोग पेयर करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे येस भी कर सकते हो, तो नहीं नो भी कर सकते। अगर बाहर के कोई भी लैपटॉप या फिर कैफे में कर रहे हो तो आप इसको नो कर देना, ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। दोस्तों, कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप लोगों के सामने आपका सिविल स्कोर जो है शो करेगा, और प्रिंट रिपोर्ट सिविल का जो प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक करके आप लोग सिविल का फुल डिटेल्स, जितना भी आप लोग लोन वगैरह लिया हुआ था, जितना भी क्रेडिट कार्ड है, सब कुछ आप लोगों को दिख जाएगा। वहाँ पे प्रिंट रिपोर्ट करते ही दोस्तों आप लोगों के सामने सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा सिविल स्कोर है जो है 747 है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके ही उशपिन का वेबसाइट है, तो उशपिन पे जाके भी आप लोग सेम इसी तरीके से वहाँ पे डिटेल्स दे के क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके कि अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पे लॉगिन करके आप लोग जो है सेम तरीके से वहाँ पे स्कोर देख सकते हो, सिविल स्कोर देख सकते हो, और रिपोर्ट प्रिंट आउट कर सकते हो। तो इस सेम तरीके से ये काम करना होगा, तो मैं और आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा उशपिन के वेबसाइट पे जाके कैसे क्रिएट अकाउंट करते हैं और कैसे सिविल चेक करते हैं। आप लोग इसी तरीके से करना तो आप लोगों को हो जाएगा। आशा करते हो कि वीडियो आप लोग सब कुछ समझ में आ चुका है, वीडियो समझ में आ चुका है। तो वीडियो को एक लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरीके और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो आप लोग अच्छे से रहना, आप लोगों के साथ फिर मुलाकात और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो बाय बाय दोस्तों।